उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया। अल्मोड़ा से बागेश्वर पहुंचने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें बागेश्वर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका अचानक निधन हो गया। बता दें वो लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। कैबिनेट मंत्री के निधन पर उत्तराखंड में 3 दिवसीय राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। इसके साथ ही राज्य में सभी सरकारी दफ्तरों में तिरंगे आधे झुके रहेंगे। सरकारी आदेश के मुताबिक मंत्री का अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान से होगा। जिस जिले में उनका अंतिम संस्कार होगा वहां सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कैबिनेट मंत्री सहयोगी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री चंदन राम दास जी के आकस्मिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। उनका निधन जन सेवा और राजनीति के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने शिव चरणों में स्थान एवं परिजनों व समर्थकों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में चंदन राम दास के पास 2 विभाग थे, समाज कल्याण विभाग और परिवहन विभाग। बागेश्वर के खरेड़ी मंडल वो कल गए थे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया था। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी थी। चंदन राम दास की राजनीतिक करियर 1980 में शुरू हुआ। 1997 में नगर पालिका बागेश्वर के निर्दलीय अध्यक्ष बने। इससे पहले वो हल्द्वानी के MBA डिग्री कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव भी जीते थे। साल 2006 में उन्हें पूर्व CM भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी में शामिल कराया, जिसके बाद से वो लगातार 4 बार बागेश्वर सीट से विधायक भी चुने गए। अब अचानक से इनका निधन हो गया, जिसे पूरे उत्तराखंड में हर कोई हैरान है और पूरा उत्तराखंड शोक में डूब चुका है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।